सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि आपको बीएड प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, और अगर आप इनसे या यहाँ से अगर आप बीएड करते हो तो वो रेकोगनाइज्ड होगा, है ना, वैलिड होगा आपका बीएड। वैसे तो बहुत सारे लोग बीएड करते हैं इधर उधर की यूनिवर्सिटीज़ से, फेक तरीके से कर लेते हैं, बट अगर आप रेगुलर कॉलेज से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सही मायने में एक नॉलेजेबल टीचर बन के निकलो आगे ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सको अपने देश की तरक्की में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ कहीं से भी आप यूनिवर्सिटी कोई भी हो आपकी, वहाँ से आप बीएड करो, वहाँ से अगर आप निकलो तो आप एक बेस्ट टीचर बन के निकलो, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को जो कि बीएड प्रोग्राम जो है ऑफ़र करते हैं, कौन कौन सी है वो यूनिवर्सिटीज़, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पर। देखिए मैंने टॉप पे रखा है आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, आपके इसमें चार कॉलेजेस होते हैं और ये इनकी मेन साइट है, आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, doe.du.ac.in, आपको यहाँ पे लगभग जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे एडमिशन 2020 हुआ था तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या जो है, मतलब किस किस चीज़ के एडमिशन हुए थे 2020 में। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नॉर्थ कैंपस कंप्लीट, अगर बताऊँ अच्छे से तो, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट है, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, जब भी कोई भी फॉर्म आएगा एडमिशन फॉर्म, फ़िलहाल अभी एडमिशन फॉर्म आया नहीं है यहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म नहीं आया है, बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और फ़ी भी बहुत कम है, 5-6 हज़ार मैक्सिमम 8,000 है, जैसे महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की अगर बात करें तो 8,000 फ़ी है यहाँ पे। चार कॉलेजेस है, चार में से चारों के नाम बता देते हैं एक बार, CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये तो मौलाना आज़ाद बिल्डिंग है आई थिंक, ठीक है, बट ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही पाएगा आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और चार बिल्डिंग है, एक CIE ऑफर करता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नॉर्थ कैंपस में मिलेगा आपको, सेकेंड है आपका महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये जो दोनों नाम मैंने लिए हैं ये दोनों कोएड कॉलेजेस हैं, कोएड मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, और इसके अलावा दो और कॉलेजेस हैं आपके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लेडी इरविन कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज हैं आपके स्पेशली, नॉट फॉर बॉयज़ ओनली गर्ल्स, ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटी आपको CIE में अवेलेबल है सिर्फ, तो जिसका CIE में एडमिशन होगा उसी को ये जो है फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, हॉस्टल वाली। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आपका लेडी इरविन कॉलेज जो मैंने बताया था इसमें सिर्फ आपका होम साइंस अवेलेबल है, तो देख के भरिएगा फॉर्म वॉर्म जब भी आएगा, बाकायदा मेरी तरफ से आपको बता दिया जाएगा, इनमें आप जो है फिलहाल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया था कि रेगुलर अपडेट्स के लिए आप जो है कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि सिर्फ रेगुलर अपडेट्स नहीं लेना आपको, आपको तैयारी भी करनी है, तो डेली रीजनिंग की तैयारी मेरी तरफ से करवाया जा रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, ठीक है, अभी तक तो नो चार्ज है, तो जब तक मिल रहा है आपको फ्री उठा लीजिए फ़ायदा इसका, ठीक है। चलिए तो चार कॉलेज के बारे में बताया मैंने, लगभग 400 कुछ सीटें होती हैं, ठीक है, 400 समथिंग सीट्स हैं, और थोड़ा है कंपटीशन ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओगे, इफ़ यू आर यू नो ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ SSC या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आप, उस बीच में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है काफ़ी कुछ रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर, तो आपको थोड़े बहुत तो हेल्प मिली जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों की आराम से वैकेंसी जो है यहाँ पे, जो भी वैकेंसी कह रहा हूँ मैं सॉरी, जो भी यहाँ पे आपके सीट्स हैं 400 समथिंग है, ज़रूर आपको एक सीट उसमें से मिलेगा, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, है ना, तो आपकी तैयारी अगर उस लेवल की है तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे, एडमिशन पा लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, DU का सिर्फ अभी बताया मैंने, देखिए DU का अगर मैं अभी के बारे में बात करूँ तो अभी कोई फॉर्म नहीं आया है, एडमिशन फॉर्म 2020 ही आपको दिखेगा, जबकि 2021 चल रहा है अब, तो अभी आपको रिसेंटली कुछ नहीं दिखेगा नया इसमें, जैसे ही अपडेट होगा आई डेफिनेटली विल बी अपडेटिंग यू विद न्यू वीडियो। तो लास्ट ईयर का है, वैसे देखना चाहते हो पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लेना। DU क्या करवाता है, आपको स्पेशल बीएड भी करवाता है, स्पेशल बीएड इन द सेंस मान लेते हैं आप एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और कहीं पे मान लो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, कोई डेफ मान लो डेफ है या फिर डम है मान लो कोई भी, है ना, या फिर कोई देख नहीं पाता, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कोई सुन नहीं पाता देख नहीं पाता, तो ऐसे स्पेशल जिनको रिक्वायरमेंट होती है ऐसे बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, जो सुन नहीं सकते, कई बार ऐसे भी होता है जो सुन नहीं सकते, तो आप कैसे पढ़ाओगे इनको,
तो इनको भी तो पढ़ाना है आपको, वो भी तो अपने ही देश के पार्ट हैं। अगर राइट टू मतलब इंक्लूसिव इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं ना एजुकेशन में, कि सबको समान वो मिले, ठीक है, तो इनको भी अगर ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है तो उनके लिए स्पेशल टीचर चाहिए। मान लेते हैं कि हम बीएड करके जा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों की सीख रहे हैं कि नॉर्मल बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और वहाँ जाके हमें ऐसे बच्चे मिल जाए, मान लो किसी भी टाइप का इम्पेयरमेंट है, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए स्पेशल बीएड की भी सुविधा है डीयू में, तो जो भी करना चाहते हैं स्पेशल बीएड, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं इनकी, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये रहा, आप देख लेना, खोल लेना, आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। और बाकी नॉर्मल कोई बीएड करना चाहता है तो कितनी लिस्ट आई थी आप देख लो एक बार, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ लिस्ट आई थी, लास्ट छठवीं लिस्ट आई थी। तो आप लिस्ट भी खोल के देख सकते हो कि लास्ट आपका कितना गया था कट ऑफ, ठीक है। तो ये आई थिंक ये अनरिजर्व वालों की है, और ये लास्ट कट ऑफ गया था आपका लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस के लिए सारा। तो वैसे चलिए एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश के लिए भी देख लेते हैं। लास्ट कट ऑफ 197 गई थी आपकी, फाइनल देख लो, मतलब 200 तो आपके मान के चलो आपको सिक्योर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डीयू का थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बताया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्या है जहाँ से आप बीएड कर सकते हो, एक बार देखिए। चलिए नेक्स्ट है आपका जामिया, जामिया से बीएड कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये जामिया से रिलेटेड मैं बता दूं आप लोगों को, कि जामिया का जो है फॉर्म आ चुका है, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं, फॉर्म आ चुका है। और सॉरी, ठीक है, और फॉर्म आने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इनका बाकायदा आ गया है, एक बार ये रहा, प्रोस्पेक्टस आ चुका है। ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है, टेलीग्राम पे जो लोग नहीं हैं वो जुड़ जाइए। 1795 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो देखिए यहाँ पे कल मैंने भेज दिया था आपका, अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो देख पाओगे कि मैंने भेज दिया था यहाँ पे। ये देखिए प्रोस्पेक्टस मैंने बाकायदा भेज दिया था, और आपके जो है फॉर्म चालू हो गए हैं ये भी बताया था मैंने, ठीक है। एक बार क्लोज, और थोड़ा सा बिग हो सकता है ये, आई थिंक ये देखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 17 मई 2021, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 17 मई 2021 टू 30 जून। तो इस बीच में जो है आपके एडमिशन फॉर्म्स ओपन रहेंगे, टेंटेटिव डेट्स हैं अभी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो भर दीजिएगा, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सेकेंड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जहाँ से आप बीएड कर सकते हो वो मैंने बताया आपको, जामिया। जामिया भी काफ़ी अच्छा जो है आपको एनवायरनमेंट देगा, आप वहाँ से कर सकते हो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नैक ग्रेडेड ए है, यहाँ से भी आप बीएड कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस आ चुका है, फॉर्म्स निकल चुके हैं, जाके भर सकते हो। ये भी स्पेशल बीएड करवाते हैं, आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। डीएलएड भी करवाते हैं ये, है ना, डीएलएड भी, देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री 5वीं तक, है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, तो डीएलएड भी जो कोई करना चाहता है, फ़ी देख लीजिए 7000 है मात्र। तो देखते रहिएगा जो भी कुछ बताया जा रहा है, ऑफिशियल साइट jmicoe.in है, ये साइट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, फ़ी मैंने बता दिया, डीयू का मैंने फ़ी आपको बताया था लगभग 7 से 8000 मान लो, एक साल का, दो साल का 16000, 20-25000 मान लो मैक्सिमम, सारा कुछ इधर उधर मान के। उसके अलावा अगर आप रूम रेंट लेके रहते हो तो वो सब जोड़ लेना, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए तो ये दो चीज़ बता दी मैंने, प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हो जाके, ये रहा इनका प्रोस्पेक्टस जामिया का, ये मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थर्ड आपका है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, तो ये थर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप बीएड कर सकते हो। तो काफ़ी आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा, मतलब काउंसलिंग के लिए जब ओपन होती है चीज़ें, तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में मिलेंगे जो कि प्राइवेट हैं, जो कि एक्रेडिटेड हैं, जिनको जो मतलब सर्टिफाइड बाय आईपी हैं, आप ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से वो एक्रेडिटेड होंगे, बट वो फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक फ्रेंड है अभी हमारे में से, उन्होंने लिया है एडमिशन आईपी से, तो सीनियर भी हैं इवन दो, तो उनका जो रहा है फ़ी वो लगभग 150 या 2 लाख के आसपास है, तो फ़ी थोड़ा हाई है। तो अभी इनके भी फॉर्म नहीं निकले हैं, जब इनके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा।
अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है इतना कुछ खास यहाँ पे, एक बार बाकी चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखो अभी कुछ निकला नहीं है, एमबीए है यहाँ पे और एमबीए यूनिवर्सिटी, बस ये सब है। बीएड का अभी कुछ आया नहीं है, जब बीएड का कुछ आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। बाकी हाँ ये बीएड करवाती है, इसका प्रूफ ये रहा, इनका ये प्रोस्पेक्टस है लास्ट ईयर का, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सीएट सेट कोड जो है 122 है, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको शायद, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी है सिर्फ आपका बीएड नहीं करवाते, बहुत सारे अदर कोर्सेज करवाते हैं, बैचलर्स कोर्स करवाते हैं, बीटेक करवाती है आपका, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आपको ये देखना है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो भी आपका आएगा, क्या कहते हैं इसे, प्रोस्पेक्टस आएगा, ध्यान से आप उसमें देख लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जब भी कोई फॉर्म आएगा मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और आईपी से भी अगर आप बीएड करते हो तो काफ़ी ठीक है, मतलब आपको डीप नॉलेज हो जाएगी, आगे जाके आप सक्सेसफुली बहुत सारे एंट्रेंसेस में बैठ सकते हो, अलग अलग DSSB में बैठ सकते हो आप, KVS में बैठ सकते हो, मतलब ठीक है, आपकी नॉलेज एक अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है, जामिया में भी हो जाएगी, आपका DU में भी हो जाएगा। DU तो वैसे टॉप पे रखूँगा मैं पर्सनली, सिंस आई एम ऑलरेडी फ्रॉम हियर एंड डूइंग बीएड फ्रॉम महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, सो एक पॉइंट ये है। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए इन तीन के बाद भी कहीं पे और ट्राई करना हो, फॉर्म आपको सारे भरने हैं। DU का फॉर्म 750 रुपये का था आई थिंक, अगर बीएड के लिए अप्लाई करोगे तो, और बीएड और एमए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, अगर एमए हो गया तो एमए चले जाएंगे, बीएड हो गया तो बीएड कर लेंगे, अगर ऐसी प्लानिंग में हो तो शायद 1500 लगेगा फॉर्म का, वो जब आएगा जब बता देंगे। जामिया का फॉर्म निकल चुका है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, आईपी का नहीं निकला अभी, जब आएगा बता देंगे इसका भी। बाकी साइट क्या है, ipu.ac.in ऑफिशियल साइट, इसलिए बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि कई बार मैं मिस हो गया कोई चीज़ बताने में, तो आप एटलीस्ट खुद तो देख सकते हो जाके। ठीक है, DOE का था doe.du.ac.in, इसका था gmi.ac.in, और इसका था आपका गुरु गोविंद का ipu.ac.in। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CU सेट। CU सेट क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी DU जितनी बड़ी होती नहीं है, या जामिया जितनी तो बड़ी है नहीं, कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना खर्चा तो ऐसे निकाल नहीं सकती अलग से एंट्रेंस करवाने का, इसलिए वो कॉमन एंट्रेंस रख देते हैं कि आप भर दो। ठीक है, आप कॉमन एंट्रेंस रहेगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसका पार्ट होती हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे आपका ये वाला टैब खुल जाएगा, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर, जिसका आप एक ही आपको एग्ज़ाम देना है और आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट फॉर्म में आपको भरना पड़ता है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी को आप फिलअप करोगे। ठीक है, चार तक का शायद चॉइस होता है कि चार तक आप भर सकते हो, चार यूनिवर्सिटीज़, चार के बाद भी आपको भरना है कि नहीं, मेरे को लगता है कि इन चारों में नहीं होगा, मेरा पाँचवें में हो सकता है हो जाए, आपको डर है कि पता नहीं किस में होगा किस में नहीं, है ना। मान लो चार यूनिवर्सिटीज़ आपने फॉर्म में फिलअप किया, आप चार की छूट थी, जम्मू भर दिया आपने, झारखंड भर दिया, कर्नाटका, देखिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ये हरियाणा खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, हरियाणा खुल नहीं रहा, बाकी झारखंड वाला खुला था, तो झारखंड वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैंने खोला था इसको, जैसे ही आप झारखंड वाले पे क्लिक करोगे, झारखंड का अपना यूनिवर्सिटी है, आप अगर चाहते हो कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो वो भी कर सकते हो, आप हो बिहार के, है ना, आप बिहार के हो, आप सोच रहे हो कि मैं DU में अप्लाई करूँ, आपने DU में अप्लाई किया आपका, अच्छा हो गया, अच्छी बात है, आपने जामिया में अप्लाई किया, अच्छी बात है, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो कम से कम IP में हो गया होगा तो अच्छी बात है। मान लेते हैं इनमें से किसी पे नहीं हो पाया आपका, कोई फॉर्म छूट गया, आपने भर नहीं पाए थे, आपको लगता है कि साल बेकार हो जाएगा, है ना, कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं, तो आप ये वाला फॉर्म भी फिलअप कर देना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, प्लीज़ मत छोड़ना। 800 रुपये का फॉर्म था, इस साल पता नहीं कितने का होगा। और एक खबर ये आ रही थी उड़ती उड़ती कि DU भी जो है शायद इनके साथ करवा ले अपना, तो अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, CU सेट में ही अपना करवा ले कि एक ही एंट्रेंस में DU भी अपना बच्चा छांट ले, है ना, अपने बच्चों को छांट ले, तो अभी कह नहीं सकते, बट फिलहाल अलग मान के चलिएगा, DU अपना अलग से एंट्रेंस करवाएगा, ये अपना अलग करवाएंगे। देखिए अब क्या है कि मान लेते हैं आप हर जगह, मान लो आपने यहाँ अप्लाई किया और IP में अप्लाई किया, नहीं हुआ, आप चाहते हो कि मैं हरियाणा का हूँ या फिर मैं झारखंड का हूँ, मैं झारखंड से अप्लाई करूँ, झारखंड की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लूँ एडमिशन, क्योंकि आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी बीएड करवाती हैं, तो आपने जैसे ही झारखंड का साइट खोलोगे आपको ये सारा मिल जाएगा, झारखंड का स्पेशली है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड.ac.in आप खोलोगे, झारखंड मैंने ऐसे खोल के दिखा दिया, आप चाहते हो कि कुछ और खोलना आपको तो आप कुछ और खोल लो, इसके अलावा आप जो है एडमिशन पे जा सकते हो कि किस साल कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, आप देख सकते हो, बहुत सारे रूल्स हैं एडमिशन के, वो आप पढ़ सकते हो जाके। तो ये चार जो है मैंने आपको बताए हैं, चार क्या, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी आ गई,
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखो, 1, 2, 3, 18 हैं, 18 के 18 चॉइस तो यहाँ पे हो गई। मान लो आपके पेरेंट्स ने छूट दे रखी है कि भाई ठीक है, डीयू में नहीं हुआ, जामिया में नहीं हुआ, आईपी में नहीं हुआ, और आप झारखंड के हो, मान लो झारखंड में नहीं हुआ आपका, लेकिन आपका नाम केरला वाले में आ रहा है, आपने केरला भी चॉइस में फिल किया था, केरला में आपका आ रहा है कि केरला से आप बीएड कर लो, तो आपके घर वाले अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप चले जाओ केरला से बीएड करने, है ना। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ठीक है यहाँ से भी बीएड कर लेते हो ठीक है, बट फिर भी प्रायोरिटी रखेंगे इनको 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 ऐसे, ठीक है। और फ़ी का भी शायद एक बार देख लेना, फ़ी का भी कोई आइडिया नहीं है मेरे को यहाँ पे, आई डेफिनेटली विल बी यू नो ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज़, बट येस गवर्नमेंट है इतना श्योर है आपका, कम से कम उससे तो श्योर है जो कि आप फेक तरीके से पैसे देके करते हो, फेक तरीके से जो पैसे देके करते हो। होता क्या है, MDU से भी बच्चे अप्लाई करते हैं। देखिए MDU क्या है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये आपको हरियाणा में मिलेगा, बकायदा इसके फॉर्म आते हैं अपने, ठीक है, वो आप भर सकते हो। और क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि MDU से क्रेडिट एक्रेडिट हो जाते हैं, और वो अपनी प्राइवेट सीट जो है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो फेक तो नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है, बट ये है कि आप डीप नॉलेज लेते नहीं हो, आप जाते हो नहीं हो कॉलेज, है ना, आप रेगुलर अटेंड नहीं करते और फिर आप एग्ज़ाम वगैरह में बैठते हो, बस ये फ़र्क, नॉलेज का फ़र्क आ जाएगा, बाकी आपको डिग्री तो मिल ही जाती है, MDU हो गया या CRSU हो गया, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटीज़, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है शायद, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, CRSU शायद यही है। और इसके अलावा आप और कहाँ से बीएड कर सकते हो, आप कहोगे कि सर यहाँ पे यूपी का आपने नहीं लिया, यूपी बीएड भी होता है, तो जी हाँ आप यूपी बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यूपी बीएड भी अच्छा है आपका, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप यूपी बीएड का भी फॉर्म भर लेना, शायद आ गया होगा फॉर्म, एक बार चेक कर लेना, मैं डेफिनेटली एक बार आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा अगर यूपी बीएड का कोई फॉर्म वॉर्म आया है तो। फिलहाल जामिया का आया है, जाके भर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे, हाँ आप अगर ये वाला चैनल ज्वाइन करते हो मेरा, तो यहाँ पे आप मैसेजेस नहीं कर पाओगे मेरे को, मैसेजेस करने के लिए इसी के साथ एसोसिएटेड एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में। हाँ, आपका एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया था अभी, एक बार टाइम देख लेता हूँ, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, 8 मिनट हो गए, चलिए ठीक है, जल्दी फिनिश करता हूँ मैं इस वीडियो को। तो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता रहा था कि मैं आपको आपके लिए फ्री रीजनिंग क्लासेस चला रहा हूँ अभी, जिसमें अभी तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कैलेंडर, मैंने आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया, तो बहुत सारी टॉपिक्स जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ आपको, और वो ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं, ठीक है। इसी के साथ वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट होती है आपकी, तो वोकैबुलरी के लिए एक अलग से चैनल है जिसमें 148 मेंबर्स हैं, सर्च आपको इतना करना है, लिटरेरी माइंड वोकैबुलरी सर्च करना है और ये चैनल आप ज्वाइन कर लोगे। और जो मेन चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, लिटरेरी माइंड सर्च करना है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो इतना सा काम है आपके लिए, कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बट जाने से पहले यही बोलूँगा कि आपको काम की चीज़ शेयर करिए मैंने, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर मेरी मेहनत पसंद आई है आपको अभी तक, और ऐसी ही मोटिवेशनल, मतलब इसी टाइप से मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, तो ऐसी वीडियोस अगर मैं डालता रहूं तो आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा, और लिंक्स आपको सारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सो वहाँ से अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, धन्यवाद।